लोग यहाँ स्वेटर जैकेट पहन के आए हुए हैं और आप ऐसे पूरे खुले बदन पे लिखवा के आए हैं बीएसपी का मिशन 2022। ठंड नहीं लग रही? पहले तो ये बताइए। देखिए, हमें बिल्कुल ठंडी लग रही है। हमारा जुनून है जी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, हमारे महापुरुषों की जो आज तक संघर्ष रहा यही। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहाँ से आज बहन कुमारी मायावती जी अपनी पहली चुनावी रैली को अंजाम देने वाली हैं। लगातार उन पर कटाक्ष किए जा रहे थे कि बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वो चुनावों में पूरी तरह से उतर चुकी थी, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की एक भी चुनावी रैली देखने को नहीं मिली। अब लगातार उनके चुनावी रैलियों का जो दौर है वो आगरा से आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में किस तरीके से ये बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहाँ चुनाव हफ्ते भर रह गए हैं, ऐसे में ये जो चुनावी रैली है वो कितना असर डाल पाएगी आने वाले चुनावों पर, और किस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं वो इसे देख रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ लोग। और भैया, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मानवी बौद्ध है। अच्छा। और मैं सेक्टर से बहुजन समाज पार्टी अदमापुर विधानसभा से। तो ये जो प्रेम है आपका बहुजन समाज पार्टी के लिए, कब से है? ये हमारा ये काफ़ी टाइम से तैयारी थी, लेकिन हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो डिसिप्लिन की पार्टी रही है, और हमेशा हम लोग डिसिप्लिन का, आज जैसे भी जो भी गाइडलाइंस दी गई है सारी गाइडलाइंस का हम फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि बीएसपी कहीं नहीं है, बीएसपी हमेशा शुरू से नियमों का पालन करती चली आई है। जैसा कि आज बहन जी का चुनावी दौरा आज से लागू कर दिया गया है, जैसे बहन जी ने जब भी पहले भी कहा था कि जब हम समय आने पर मैं मैदान में आऊँगी, और आज जब समय आ गया आज बहन जी मैदान पर आ रही है। आज आप देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ अच्छे से है, सभी लोग बीएसपी को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। तो ये इतनी ठंड में लोग यहाँ स्वेटर जैकेट पहन के आए हुए हैं और आप ऐसे पूरे खुले बदन पे लिखवा के आए हैं बीएसपी का मिशन 2022। ठंड नहीं लग रही? पहले तो ये बताइए। देखिए, हमें बिल्कुल ठंडी लग रही है। ये हमारा जुनून है जी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, हमारे महापुरुषों की जो आज तक संघर्ष रहा यही हमारा, ये महापुरुषों की हमारी ताकत है। हमें जी आज हम यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे वस्त्रों पर खड़े हुए हैं, ये सब महापुरुषों की देन है। तो महापुरुषों की देन से ही आज हम उसी मिशन को आगे लेने के लिए, अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम बीएसपी के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ठंड से याद आया कि गृह मंत्री कह रहे थे कि बहन जी की ठंड खत्म नहीं हुई, रैलियां नहीं कर रही, बाहर नहीं आ रही, बाद में चुनाव खत्म हो जाएंगे तो कहेंगी कि पता नहीं था कि चुनाव है। देखिए, कहने का मतलब आज फरवरी का मार्च है, और फरवरी भी आज 2 फरवरी हुई है, कहने के लिए फरवरी भी एक ठंड का ही मौसम रहता है, लेकिन हमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। तो चलो, अब जिन्हें ठंड लग रही है वो लगती है, लेकिन हमें बिल्कुल ठंड नहीं। तो बहन जी, अब चुनावी यात्राएं जो उनकी चुनावी रैलियां हैं वो अब उन्होंने शुरू की है। क्या अब चुनावी रैलियां शुरू की है उन्होंने, बाकी पार्टियां करके बैठ चुकी हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहन जी ने भली रैली ना की हो, आज से रैली कर लें, लेकिन बहुजन समाज में जो हमारे बीएसपी के जितने भी संगठन रहे हो, वो हमेशा आज से नहीं, कई मतलब सालों भर से, मैं खुद सेक्टर अध्यक्ष, मैं खुद 2.5 साल से, मैं खुद हम अपने बूथ लेवल पे, क्योंकि हमारे जो आज बहन जी ने नारा दिया अपना बूथ करो मजबूत, और हम अपने बूथ पर ध्यान दे रहे हैं, और हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमें इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग बूथ करो मजबूत का जो आप नारा दे रहे हैं, जो लोग लगे रहते हैं, उनको रैलियों का इंतजार रहता है जहाँ वो अपना जोश दिखा सके, जैसे अभी आप आए हैं। तो ऐसे में इंतजार था आप लोगों को कि कब चुनावी रैलियां होंगी, कब हम पहुंचेंगे? देखो, नेताओं की तो खुशी रहती है कि हमारे बीच में नेता है, हमें बहुत उत्साह रहता है, लेकिन हमारा जो काम था बूथ बाई बूथ, हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। आज अभी बड़ा सारा काम ओके कंप्लीट है, बस हम इंतजार जिस दिन कर रहे थे कि इस दिन वोट पड़े, किस दिन वोट की तारीख आए, हमारा नेता हमारे बीच में कब आए। आज हमें बहुत खुशी है कि बहन जी हमारे बीच में आ रही है, बहन जी को देखने को मिलेगा। सिर्फ बहन जी की चुनावी रैली है, उनको आपके बीच में आएंगी आज देखने को मिलेगा, इस बात का जोश है? यस, ये इस बार हमारा पूरा जोश है कि हमारे बीच में बहन जी आ रही है। और मुझे नहीं, या सारी बहुजन समाज के जितने भी शुभचिंतक है, बहुजन बीएसपी के जितने भी बहुत शुभचिंतक है, सारे लोग आज अपने नेता को देखने के लिए और बड़े उत्साह के साथ आए हुए हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे आप ठंड में इस तरीके से घूम रहे हैं, अगर बीमार पड़ गए तो आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे? मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, हम बीएसपी वाले अंदर से ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि बीमार पड़ेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि आज हमारे समाज में, अगर हम देश की बात करें या हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे बीच में जितनी भी समस्या है, चाहे पढ़े लिखे लोग, मैं भी एक डिप्लोमा होल्डर हूँ, हमने भी अपने मैकेनिकल से हमने भी पॉलिटेक्निक किया है, लेकिन आज बेरोजगारी इतनी है कि समस्या बहुत गंभीर हो गई है। और हमारे बीच में हमारे आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो
संस्थापक थे मानवर साहब काशी राम जी ने, उन्होंने एक बात कही थी कि बहुजन समाज में जितनी भी समस्या पहले, तो उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की वाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर हमारे समाज में या बहुजन समाज में जितनी भी समस्या फैली हुई है, अगर सभी समस्या का निवारण अगर आप लोग करना चाहते हैं तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के तहत अब पांचवी बार बहन जी को सरकार, पांचवी बार बहन जी की सरकार में रहेगी, पांचवी बार बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो पहले अभी तो खैर उन पे पाबंदी लगा दी गई, वो लगातार ये कह रहे थे कि मुश्किल से कुछ सीटें मिल पाएंगी बहुजन समाज पार्टी। 2007 की बात करूं, 2007 समय भी यही मीडिया थी जो मात्र 33 सीट बताती थी कि 33 सीट बीएसपी की आ गई, लेकिन जब रिजल्ट चौंकाने वाला है और 206 सीट से इस प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की बीएसपी की सरकार में थी, तो मीडिया कुछ भी दिखाते रहे कोई फर्क नहीं है। तो बीएसपी 2007 का इतिहास दोहराएगी? ये बिल्कुल 2007 का बिल्कुल इतिहास अपनाएगी। मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। आपका नाम? विनोद कुमार जी, आप यहीं से हैं? आगरा से। मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों? वो दिखाती उन्हीं को। को? जिनका विज्ञापन मिलता है। अच्छा, तो विज्ञापन कौन दे रहा है? सरकार देती है। हाँ। योगी सरकार देती है, खुला तो दे रही है। जिसका पैसा उसका काम कर रही है। हाँ। देश का काम नहीं कर रहे हो। लेकिन आज योगी जी मथुरा में हैं, वहाँ से वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, वृंदावन मथुरा भी बनवाएंगे। राम मंदिर खाने नहीं देगा। राम मंदिर को तो चढ़ाने जाते हैं हम लोग। जनता को क्या लाभ है राम मंदिर? रोजगार देगा खाना, रोजगार दो, मंदिर नहीं चाहिए, रोजगार दो। कल बजट पेश किया, 7 लाख नई नौकरियां लेके आएंगे। ये बजट है? कोई नौकरी कितना आप भी जानते हो कि कैसा बजट है। जनता के लिए कुछ नहीं है, धन्ना सेठों के लिए बहुत कुछ है उसमें, आप तो जानते हो मीडिया लोगों। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आम आदमी के लिए अच्छा है। कुछ भी नहीं है, क्या है आप बताओ? देखिए, टैक्स नहीं बढ़ाया कोई भी, कोई भी नहीं बढ़ाया। उससे क्या है, कम किया? कम तो नहीं किया। फिर जनता समझ रही है कि अगर बढ़ाया नहीं तो कम भी नहीं किया और क्या। तो कुछ नहीं किया, सारी शिक्षा नीति सब खत्म, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। 60 लाख नई नौकरियों पे क्या कहेंगे? कागज में हाँ, कुछ नहीं है। सरकार है और ये अब चुनाव आ गया है, अब भर्तियां निकाल दी है, 5 साल में कोई भी भर्ती नहीं निकली है। कोई बजट है? क्या बजट है? एनटीपीसी का टेस्ट दे दिया, क्या है? कुछ नहीं हुआ चुनावों की वजह से। ये बताइए कि बहन जी की सरकार आएगी तो ये जो समस्याएं हैं इन पे आपको लगता है कि इनका हल हो पाएगा? होगा, हमेशा हुआ है, होता रहा है, होता रहेगा, धीरे धीरे होगा, पूरा होगा, धीरे धीरे करती जाएंगी वो। हाँ। करेंगी काम, करेंगी बहन जी, बिल्कुल काम करेंगी वो। लेकिन दो युवा चेहरे भी हैं, जयंत अखिलेश के नाम पे आ रहे हैं दोनों, वो सब आवाम में उड़ जाएंगे। हवा में मीडिया में तो दिखा रहे हैं कि उनकी ही हवा है, मीडिया उन्हीं का है ना। हाँ, दो की टक्कर दिखा रहा है, बीएसपी को दिखाई नहीं रहा है। बीएसपी को टक्कर में क्यों नहीं दिखा रहा है? आप सोचो क्यों नहीं दिखा रहा है? उनको भी दिखाना चाहिए थोड़ा। पहले भी क्यों नहीं दिखा रहा ये, जरा बताइए। उनसे पैसा मिल रहा है, बहन जी के पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए मीडिया के लिए। सपा भाजपा एक है, ये मतलब बसपा की दोनों विरोधी हैं और बसपा को टक्कर में हटा के सपा को दिखाना चाहती है मीडिया, इसलिए क्योंकि 2017 में भी 120 नंबर 120 सीटों में दूसरे नंबर पर रही थी बीएसपी, मीडिया ने फिर भी नहीं बताया था। एसपी का कोई अल्लाह नहीं है, जो भी टक्कर रहेगी बीएसपी से रहेगी और 300 से आंकड़ा पार जाएगा। आगरा से 9 की 9 सीटें जाएंगी, जैसे जब गई थी 6 सीटें गई थी, अब पूरा दावा है 9 की 9 सीटें जाएंगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम, ये कहना चाहता हूँ, विकास जी को ढूंढ रहे थे, देखिए ये रहे, कह रही है जैसे हमारी बसपा जो लड़ाई में है ही नहीं। जब कहने का मतलब 2017 में जब योगी लहर मोदी लहर चला तब तो हमारे बेस वोट जो हमारा बसपा का वो तो कम नहीं हुआ, 22.5% है, 22.23 पॉइंट है, तो हम लड़ाई में नहीं है। और जो 18-17% वो लड़ाई में है, मीडिया यही दिखाना चाहती है कि हम लड़ाई में नहीं है, जबकि हमारे तरफ अगर 10 जो आपके मैक्सिमम जो 19% मुस्लिम है, अगर हमारे आधा भी आते हैं तो 22 और 8 30, हम 30 का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन मुस्लिमों के लिए तो कह रहे ना कि एक तरफ अखिलेश दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी है मैदान में कि हम मुस्लिमों के। हाँ। जो पार्टी इतनी आज जनयात्रा लेकर निकल रही है, आजम खान के लिए कौन सी यात्रा लेकर निकली, मुस्लिम सम्मान की कौन सी लेकर निकली? अभी मुसलमान भाई भूले नहीं है मुजफ्फरनगर दंगा भूले नहीं है,
क्या थे उस समय, सपा में थे, महोत्सव कर रहे हैं। लेकिन देखिए गृह मंत्री कहते हैं कि अगर सपा या बसपा की सरकार आती है तो दोबारा से एक बार गुंडा राज होगा उत्तर प्रदेश में। क्या गुजरात कांड सब भूल गए हैं? सबसे बड़ा गुंडा आ गई, जब से देश आजाद हुआ है सबसे बड़ा अगर कोई गुंडागर्दी उठा हुआ है तो गुजरात में हुआ, जो गोधरा कांड हुआ है उससे बड़ा कोई कांड नहीं हुआ है। तो ये देखिए विकास विकास के नारा हर जगह दिया जा रहा है और विकास यहाँ आके खुद बता रहा है कि दिक्कत हो रही है इनको। हाँ मैडम दिक्कत है, इस सरकार से मैं बहुत दिक्कत है। जुमलेबाजी सरकार, अभी हमारे समाज के लोग भूले नहीं है, 2 अप्रैल दिखा देंगे इनकी ताकत अपनी, क्या ताकत है हमारी, क्या पहचान है। आज भी हमारा जो वोट बैंक है वो आज भी 23% के लमसम में है दलित। हाँ। वो बहन जी से छटका नहीं है। हाँ। ये मीडिया दिखाए और चाहे मत दिखाए, हम बसपा के लिए अपनी जान भी लगा देंगे, पर पीछे नहीं हटने देंगे। जो ये वोट बैंक को कहते हैं कि कोर बैंक है, जो वोट बैंक उस पे भरोसा करके बहन जी बैठी हुई हैं, तो भरोसा सही है? भरोसा सही है। आज तक के इतिहास में जब सन 84 में जब BSP का स्थापना हुई थी, जब कोई चुनाव चिन्ह हाथी का जानता नहीं था, जितने सब थे कांग्रेस से लगे हुए थे कोई जानता नहीं था, गांव बताया जाता था कि भैया हाथी फोड़ देना, उस समय हमारी पार्टी जो है 14-15 सीटें जीत के आई थी सन 84 में। आज तो हमारा पूरे विश्व लेवल पे है हमारा संगठन, तो इसलिए हमारे जो मीडिया दिखा रहे ना इनके मुंह पे तमाचा लगने वाला है 10 मार्च को। लेकिन जब रैलियां कर रही थी बाकी की पार्टियां, हो चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखिए प्रधानमंत्री आ रहे थे, गृह मंत्री आ रहे थे, जेपी नड्डा खैर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जब वो पहले से कर रहे थे और उसके अलावा प्रियंका गांधी थी मैदान में, अखिलेश यादव अपनी चुनावी रथ यात्रा लेके थे, तो ऐसा लगता था कि बहन जी को भी आना चाहिए। COVID-19 का पालन कर रहे हैं वो, जैसे आप कह रहे हैं अब यही है 1000 की भीड़, जहाँ लाखों की भीड़ होने वाली है ये 1000 कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे। ये डर गए हैं बहन जी से, अगर इनके पास औकात है तो दे दे फैसिलिटी, पूरे पूरा आगरा जाम हो जाएगा। सही बात है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, कह रहे हैं बहन जी को ठंड लग रही है, यही मीडिया कहेगी, कोरोना गाइड का पालन नहीं कर रहे हैं बहन जी, इतनी भीड़ जुटा ली है, छूट दीजिए हमें, फिर दिखाएं कितनी भीड़ है, पूरे आगरा जाम हो जाएगा। इनकी जो कह रहे हैं ठंड लग रही है ना, उनको गर्मी आ जाएगी, गृह मंत्री को गर्मी आ जाएगी, ये रैली देख लेंगे, परमिशन दे के देख ले। एक बार फिर से जरा रिपीट करेंगे क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ अमित शाह कह रहे हैं कि बहन जी को ठंड लग रही है, जिस दिन ये रैली देखेंगे उनको गर्मी आ जाएगी, उनको गर्मी आ जाएगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा उनको। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हम मई जून में भी गर्मी लोगों की हम निकाल देते हैं। उनकी अकड़ जो है निकल जाएगी, जब वो सांसद में रोए थे आंखें से घड़ियाली आंसू बार, वो भूल नहीं गए क्या? वो भूल गए, वो भिवंडी से जीते थे, वो सोच रहे कि हमें फिर दोबारा मठे में जाना पड़ेगा, इनको घंटा बजाने के लिए जाना पड़ेगा, कुछ नहीं बजेगा। बहन जी से जो बहन जी दिखा रहे हैं कि बहन जी डर गई हैं, जब हमारी बहन जी जब राजा भैया जैसे शख्सियत से नहीं डरी, जिसका लोग मोहताज है, उनके जूते के मोहताज है, उनसे नहीं डरी, आप इनसे डरेंगे, इन योगी मोदी से डरेंगे, बहन जी डरने वाली नहीं है। तो जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि 10 मार्च को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से योगी राज वापस आ रहा है, ऐसे ही बंगाल में आ रहे थे मैडम, वहाँ भी सब सर्वे पोल दिखा रहे थे 298 इतने उतने आ रही है, सब उल्टे चले गए, यही यहाँ होने वाली है, मीडिया सब उल्टी है, यहाँ भी यही होने वाली है, ऐसा परिणाम आएगा लोग दांतों तले उंगलियां दबा के रह जाएंगे, एग्जिट पोल कम फेल हो जाएंगे। लोग बड़े जागरूक है भैया, अपना अपना सारा चुनावी आंकड़ा लेके आए हैं 2017 से लेके 2007 तक के आंकड़े इनके पास। चलिए बहुत शुक्रिया, देखते हैं। मैं एक बात, आगरे में जो 9 सीटें हैं, हमारा कैंडिडेट कहीं 98,000 कहीं 88,000 कहीं 90,000 के आंकड़े पे है, जो योगी लहर मोदी लहर में हम 98,000 वोट लेके आए हैं, हर विधानसभा पे 80,000 85,000, हमें कौन रोकने वाला है, 150 के मार्जिन से जीती थी। हाँ हमें कोई रोकने वाला नहीं, हम 9 सीटें जीतेंगे आगरा की पूरी सीटें पूरी। तो ये लोगों का यहाँ जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि पूरी 9 की 9 सीटें और जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस बार अपने खाते में लेकर आने वाली है, और ये गढ़ भी रहा है बहुजन समाज पार्टी का, तो ऐसे में ये जो इनकी उम्मीदें हैं ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे की जायज लगती हैं। बाकी की कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बहुजन TV।